देखो भाई ये हमारी खिचड़ी पक चुकी है, हमसे खाने वाले हैं। देखिए खिचड़ी खाने का जो मज़ा है वैसे वो दही के साथ में, लेकिन क्या है कि थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आज दही के साथ तो नहीं खा पाऊँगा, आज हम खाएंगे दूध के साथ में, ठीक है। और दूध भी है बहुत ही प्रोटीन वाला, ये पैकेट वाला आता है, क्योंकि जो है वो तो हमें नहीं मिला है। जो देसी दूध होता है भैंस का तो वो तो शाम को आएगा, तो भूख तो हमें अभी लगी थी इसलिए हमने ये वाला जो दूध है यूज करने का इसे यूज किया है, ठीक है। तो देखो भाई ये हमारी रसोई है, ठीक है, इसमें हम खाना बनाते हैं। तो बस ये छोटी सी रसोई है, इसमें हमारा खाना बनता है टेस्टी टेस्टी। तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा रूम है, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए हमने जो फ़ैन है अपना ये बंद किया हुआ है। देखो कितना शांत है, बिल्कुल जैसे शांत बैठा हुआ है, और रात को ये बहुत ही शैतानी करता है, बहुत गर्म हवा फेंकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खिचड़ी खाई जा रही है, अपनी खिचड़ी बना के खुद अपने आप खाई जा रही है, किसी को पूछा भी नहीं जा रहा है, दूध वाली खिचड़ी। हाँ अब देखो भैया ये हमारी अल्ली सीढ़ी है और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। देखिए खिचड़ी जो होती है वो पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आप सभी जो है खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं अगर आपको बुखार वगैरह आया है तो, ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको खिचड़ी बना के बाद में दिखाएंगे, तो मैंने ये आपको दिखाई है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अभी तो हम इतना ही इसको ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा अपनी। और एक बात और मैं बता दूँ फ्रेंड, हमें जो है घूमने का बड़ा शौक़ है, तो अब हम घूमना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ भी हम जाएंगे तो अपनी जो वीडियो है आपको अपलोड कर देंगे। और मोस्टली जो हमारी वीडियो अभी होगी वो मेरठ की होगी, क्योंकि जो हमारी प्लानिंग होगी वो मेरठ के जो अच्छे जगह है वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।